नमस्कार, मैं सृजन शुक्ला आपका स्वागत करता हूं डिजिटल भारत न्यूज के डिजिटल टॉक शो में। प्रधानमंत्री जी का अध्यादेश नोटबंदी को लेके लागू हो गया है। चारों तरफ नोटबंदी को लेके तरह तरह के बयान आ रहे हैं। उसी वक्त देश के आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी का भी बयान आता है, जो पूर्ण रूप से इस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हमारे समक्ष मौजूद हैं आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश जायसवाल जी। मुकेश जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार मुकेश जी। मुकेश जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि किस प्रकार से आप जब व्यवसाय कर रहे थे तो आपके मन में यह आकांक्षाएं आई कि हमें भी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करनी चाहिए, और राजनीतिक जीवन की शुरुआत करनी चाहिए तो किस पार्टी से जोड़कर शुरुआत करनी चाहिए? हमारे दर्शक ये बात को जानना चाहते हैं। राजनीतिक जो दल थे पहले, राजनीतिक पार्टियां जो थी, जो हम लोग वो संभालते थे, तो एक दलदल कहा जाता था इसको, कि दलदल में नहीं जाना है, राजनीति नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई करके अपना भविष्य संभालना है। जब हमने होश संभाला तो चिकित्सा से हमने अपना जीवन स्टार्ट किया, और हमेशा ये महसूस करते थे कि जिस तरह से इस देश में तमाम राजनीतिक दल ने भ्रष्टाचार, माफिया राज, अपराध जगत बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो ऐसा महसूस करते थे इस देश में बदलाव होना चाहिए। मैंने जयप्रकाश नारायण जी का तो आंदोलन नहीं देखा, लेकिन सुना था एक क्रांति आई थी इस देश के अंदर। उसके बाद दूसरी क्रांति के लिए अन्ना जी का नाम कभी सुना था, हेडीगार गांव के हिसाब से, और उनके बीच जब ये आंदोलन शुरू होना था उसके पहले मैं 2 महीने पहले अन्ना जी से जुड़ गया था जी, एक बदलाव की तरफ, क्योंकि एक मन में क्रोध था जी कि बदलाव जरूर होना चाहिए इस देश में जी, क्योंकि लीडरशिप जो जितने भी नेता थे, या देश की बात करें या प्रदेश की बात करें या जबलपुर की बात करें, तमाम नेताओं के अलावा एक ही काम था कि चुनाव लड़ो, भ्रष्टाचार करो जी, और जनता को परेशान करो जी। उससे हम लोग के क्रोध था, लेकिन एक रास्ता नहीं मिलता था। अल्टीमेटली हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज की बात करें, कमी तमाम पार्टियों की बात करें, लेकिन तमाम पार्टियां वैसी थी जी। चूंकि अन्ना जी का साथ मिला और इस देश में बदलाव की स्थिति में थे, और 2 महीने पहले मैं अन्ना जी के साथ जुड़ गया जी। उस आंदोलन के साथ मैं अन्ना जी के साथ जुड़ गया, और वो आंदोलन में मैंने अपना सहभाग जबलपुर का था, नेतृत्व दिया मैंने, और एक बदलाव की दिशा में इस देश चल निकला था। उसी बीच देश के जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया कि अगर सुधार करना है तो आप सत्ता पे आइए जी। चूंकि अन्ना जी उम्र हो गई थी और ऐसी तमाम चीजें नहीं थी कि सत्ता पे जाएं, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक IRS थे, उन्होंने तमाम देश में सेवा करी थी, मदर टेरेसा के साथ हो या तब कई जगह हो, जब IRS थे तो रात में वो अपनी दिन में नौकरी करते और रात में भ्रष्टाचार के लिए खंभों में चढ़ के पोस्टर चिपकाते थे जी। तो उन्होंने तय किया इस देश में अगर हमको बदलाव करना तो हमको दलदल में उतरना पड़ेगा। अर्थात अन्ना जी से तो आपका जुड़ाव अलग हो गया, अरविंद केजरीवाल जी स्वयं राजनीति में आ गए, अन्ना जी गायब हो गए। अन्ना जी गायब नहीं हुए, अन्ना जी ने अरविंद जी को सपोर्ट किया था पहले जी, कि आप ठीक है दलदल में उतरना है। अन्ना जी के साथ वो मिलने गए, आशीर्वाद लिया अन्ना जी से कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे दलदल में उतरना, तो राजनीतिक दल बनना पड़ेगा जी। और उन्होंने राजनीतिक दल के लिए अपनी चुनौती स्वीकार करी, कपिल सिब्बल की हो, दिग्विजय सिंह की हो जी, अन्य नेताओं की जो है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अन्ना जी का समर्थन राजनीतिक दल के लिए नहीं था। अन्ना जी का समर्थन था, लेकिन उनके बाजू में जो किरण बेदी थे या वो जो रिटायर्ड होके जो आए थे जी सर हाँ, उनके हिसाब से उन्होंने एक गुमराह करते हुए कहा था कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन बाद में ये रहा कि एक मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने चला गया और एक आज मंत्री बन के बैठे हुए जी। तो ये स्थिति थी, तो अरविंद जी ने चुनौती स्वीकार करी, उस देश में चुनाव लड़ा, तो पहली बार जब चुनाव लड़ते हैं अरविंद जी के लिए 28 सीट आती है जी, जिसने जीवन में कभी राजनीति नहीं करी हो, तमाम इस देश में लोग देख रहे थे कि एक परिवर्तन की दिशा है जी। और दिल्ली के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक अच्छा नेता चुना, ईमानदार नेता चुना, और अरविंद जी परिवर्तन की दिशा थी, परंतु कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी परिवर्तित होते देख गए। नहीं, अरविंद केजरीवाल को ऐसे षड्यंत्र के बीच में रखा हुआ है। IAS ऑफिसर किस प्रकार से षड्यंत्र में शामिल हो सकता है सर? नहीं, राजनीतिक दल जिस तरह से परेशान करते हैं जी, आपको टॉर्चर कर रहे हैं जी, बेईमानी के लिए उन्होंने
सीबीआई का छापा पड़वा दिया जी, लेकिन कुछ नहीं मिला हाथ की लाइसेंस जी, क्योंकि उसके पहले अरुण जेटली की कथा चिट्ठा तैयार हो गया था जी, लेकिन उन्होंने सीबीआई का छापा पड़वा दिया जी। एक मुख्य देश की किसी देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ना ये देश की विडंबना कालाधन लिखा जाता है जी सर। इस तरह से परेशान किया जाए, एसीबी उन्होंने बनाई थी छीन लिया उससे जी, नहीं तो आज शीला दीक्षित मुख्यमंत्री जो थी पूर्व मुख्यमंत्री वो जेल में होती जी सर। चूंकि सारे अधिकार छीन लिए गए हैं इसलिए अरविंद जी को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि अरविंद जी ने तय किया है कि इस देश की व्यवस्था बदलनी है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है जी। तो आज हम पंजाब की तरफ जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं और गुजरात जा रहे हैं जी। गोवा के बाद अरविंद जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में हम चुनाव लड़ रहे हैं जी। ये फाइनल हो चुका है, डिक्लेयर कर चुके हैं अरविंद जी। 30 से 32 विधायक की सदस्यता खतरे में दिल्ली में नहीं, ये जो गुमराह किया जा रहा है लोगों खतरे में, खतरे में नहीं है, एक सिस्टम होता है चुनाव लगभग उन पे कुछ संगीन आरोप तो हैं, संगीन आरोप भी नहीं है, जो आरोप लगाए हैं डबल दो पद का दुरुपयोग का जी, वो दुरुपयोग अगर साबित होता चुनाव आयोग अभी तक खींच के रगड़ चुका होता जी, क्योंकि साबूत नहीं है एक भी जी। दो पद पे है हाँ। लेकिन किसी एक पद का अगर हम तनख्वाह ले रहे हैं, सुविधा ले रहे हैं और दूसरे पद पे हम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हम दो पद का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई साबूत नहीं है जी। तो इसलिए उस चीज को रबड़ की जैसे खींचे पड़े और बोल देते हैं, कभी बीच बीच में हर महीने दो महीने में ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम 28 लोग की सदस्यता समाप्त कर रहे हैं, 32 लोग की, सब देश की न्यायपालिका है, आपको अधिकार दिया तो आप अभी तक करके कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए जी। मतलब मोदी जी कहीं ना कहीं दोषी हैं इसमें भी। मोदी जी 100% दोषी है, 100% मोदी जी दोषी है भाई जी। अगर अरविंद जी ने निवेदन किया उनसे हाथ जोड़ के कि मोदी जी मुझे दिल्ली में काम करने दीजिए, मैं आपकी वाहवाही करूंगा कि आपके नेतृत्व में दिल्ली सुधर रहा है, दिल्ली एक मॉडल बनेगा इस देश के अंदर, लेकिन काम नहीं करने दे रहे। तो जब वो उनपे दोषारोपण करते हैं, मेरे ख्याल से हाथ जोड़ के वो ऐसा नहीं देखता कि हाथ जोड़ के लग रहा है, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिसके कारण आप पार्टी की छवि खराब होती है। नहीं, आज छवि खराब नहीं हुई इस देश के अंदर जी जी। आज मैं बता दूं आपको, पिछले 3 महीने में एक हम लोग ने अभियान चलाया था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान, आपकी बात आपके साथ चलो भूत की ओर जी सर। तीन अभियान चलाए थे हम लोग ने, आज हम मध्य प्रदेश में 68,000 बूथ में 40,000 बूथ प्रभारी हम लोग बना चुके हैं जी सर, विद नाम और नंबर के साथ जी सर। ये झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ है जी, लेकिन एक दहशत है कि वो कार्यकर्ता अगर सामने आता है तो झूठे आरोप में लोग बंद करवा देंगे, टीआई से बंद करवा देंगे, सत्ता उनकी सरकार उनकी, जहां कार्यकर्ता साथ में सामने नहीं आ पा रहा, जहां लोकतंत्र जीवित है वहां इस प्रकार के दोषारोपण लगा सकते हैं कि भाजपा पार्टी द्वारा इस प्रकार के। भाई लोकतंत्र है तभी तो हम बोल रहे हैं जी, इस देश में लोकतंत्र है जी जी जी, तभी तो हम बोल पा रहे हैं जी। अगर हिटलर साहब मोदी जी जैसे बोलना और आरोप लगाना मुकेश जी अलग बात दिखती है, आप लोग आरोप ज्यादा लगाते हैं। आरोप नहीं लगाते हम लोग, विद एविडेंस के साथ सवाल रखते हैं हम सर, बात रखते हैं। जैसे मोदी जी के ऊपर अभी अरविंद जी ने कोई आरोप लगाए हैं जी सर कि अडानी को फायदा पहुंचाया, अंबानी को फायदा पहुंचाया, या गुजरात में उन्होंने करोड़ों रुपए का वो लिया है, भ्रष्टाचार किया, तो विद प्रूफ दे रहे हैं जी, जी। उन्हीं की जांच रिपोर्ट आई है गुजरात। अभी हम उस बात पे आएंगे, पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि लगभग अरविंद केजरीवाल अन्ना जी के आंदोलन से जुड़े थे, आप भी उसी आंदोलन से जुड़े थे, उसके बाद आपके मन में ये आकांक्षाएं आई कि हमें आप पार्टी से जुड़ना चाहिए, मध्य प्रदेश में क्या विकास की गाथा है अभी आप पार्टी की, किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, इस बारे में हमें बताएं। देखिए अभी तक हम लोग मध्य प्रदेश में जो है जी, हमने पिछली बार भी कहा कि हम लोग अभी संगठन मजबूत कर रहे हैं जी सर, हम बूथ स्तर पर जिस दिन पहुंच जाएंगे 100% जी सर, उस दिन हम इतने भ्रष्टाचार इन पार्टियों के खोलेंगे, मध्य प्रदेश की जो पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री हैं, इतने बड़े बड़े घोटाले हैं जी सर। बिजली की बात कर रहे हैं हम, बहुत बड़ी जो मैटर चल रहा है अभी, उन्होंने चुनाव विद्युत आयोग को वापस, जितनी भी एजेंसियां थी उन्होंने वापस रेट बढ़ाने के लिए किया है जी सर। यही बिजली हम दिल्ली सरकार को बेच रहे हैं 2-2.5 रुपए में, और यही बिजली हम प्रदेश की जनता को 8 रुपए में दे रहे हैं जी। क्या ये विडंबना ही नहीं मध्य प्रदेश सरकार की जी जी, ये सोचने पे हम लोग को मजबूर कर रहे हैं जी। हम आज संगठन विस्तार पे जा रहे हैं, आज हम 40,000 पे कार्यकर्ता हमारे तैयार हो गए हैं, बूथ हो, सर्किल हो, सेक्टर हो, या हमारे जिले की कार्यकारिणी हो जी, हम इस स्तर पे पहुंच गए हैं। आने वाले 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर इस देश के अंदर, एक मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं, समय आने पर हम उसकी भी घोषणा करेंगे। मतलब संगठन में ज्यादा काम चल रहा है अभी आपका कार्य, संगठन को मजबूत किया जा रहा है, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चुनाव या कोई भी पार्टी हो या कोई भी चीज हो, जब तक हम संगठन तैयार नहीं कर लेते तब तक हम ऐसी स्थिति में नहीं लड़ते हैं कि हम कोई चीज फाइट कर सके। तीसरी ताकत बनकर कब तक उभरेंगे, अगला विधानसभा चुनाव 2 साल बाद है, हम अभी तो दूसरी ताकत में है, जो कांग्रेस विपक्ष की बात, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ,
कांग्रेस के एक मुद्दा उठाने को तैयार नहीं है, जितने विधायक एक विधानसभा में क्वेश्चन उठाते नहीं है। जी सर, ये हम तरुण भनोट की बात करें या और भी बात कर लें, जी विधानसभा में एक क्वेश्चन उठा के नहीं बता सकते हैं। मध्य जबलपुर की बात कर लें, आज हम रीवा की बात करें, रीवा में कम से कम 10 फ्लाईओवर बन रहे हैं, जबलपुर में एक फ्लाईओवर नहीं है। जी जी, सांसद बनने के पहले आमनानी तनखा जी ने बोला था कि हम कमलनाथ से परमिशन लेके आ गए हैं, हम फ्लाईओवर, आज एक सांसद हार गए, एक जीते हुए 15 साल से, एक 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 डेवलपमेंट बता दें, कोई एक बड़ा उद्योग बता दें जबलपुर के। उद्योग से बात कर रहे हैं, इंदौर में भी इन्वेस्टर मीट्स हुई थी जिसमें महाकौशल के किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया। ये तो बड़ा, यही तो बता रहा, मैं कहना चाह रहा हूँ जी सर, कि एक महाकौशल की विडंबना है जी सर, यहाँ के बड़े बड़े उद्योगों की जिस तरह से सांसद महोदय होके नेग्लेक्टेंसी किया जा रहा है। पर्यटन की बात कर रहे हैं जबलपुर में, भेड़ाघाट की बात कर ले, जी जी जी, आज मानचित्र में नहीं है आपकी भेड़ाघाट, पर्यटन स्थल पे नहीं है भेड़ाघाट, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। ये निष्क्रिय है कि ये जानबूझ के नहीं, निष्क्रिय की परिभाषा, इनको अपना पेट पालना है जी, भरना है जी, जनता को हो, शहर के विकास की बात कर रहा है, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हमको ये है कि वो भाई कहाँ काम हो रहा है, कहाँ घोटाला कर सकते हैं, कहीं ठेका दिलवा दे, उसका 20% 30% हम ले लें। ये राजनीति अभी चल रही है, मुनाफाखोरी की राजनीति हो रही है, दलाली की राजनीति, मुनाफा नहीं दलाली की राजनीति हो रही है, शुद्ध शब्दों में ये है। अर्थात 12 साल से जनता शिवराज सिंह चौहान को चुन रही है, तो लोकतंत्र में जनता का अहम रोल होता है, तो जनता गलत है। आप क्या अल्टरनेट नहीं था ना जी, आज इस देश में आपको अल्टरनेट मिल रहा है जी, मध्यप्रदेश को अल्टरनेट था जी भाई, 12 साल 10 साल दिग्विजय सिंह के शासन पर देखिए, लोग सड़क के लिए परेशान हो गए, पानी के लिए परेशान हो गए, रोड से परेशान हो गए मध्य प्रदेश में। लेकिन मुकेश जी माफ कीजिएगा, कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ अभी तक। नहीं, बड़े आंदोलन बिजली आंदोलन मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल में हुआ जी, जी, जिसमें कम से कम 25,000 से 30,000 कार्यकर्ता थे जी, ये थे, उसके बाद भी बड़े आंदोलन हुए हैं, जैसे कि दिल्ली में अभी अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, पंजाब में सुनने में आ रहा है कि वो दावेदार है मुख्यमंत्री के, लगभग फिर क्या गोवा में भी बनेंगे क्या, मध्य प्रदेश में भी बनेंगे मुख्यमंत्री? अब मेरे को तो ये लगता है कि आप पार्टी का नेता मतलब सिर्फ एक ही अरविंद, नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये सो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है जी जी, अरविंद जी दिल्ली देख रहे हैं, दिल्ली के अलावा नहीं देख रहे, चूंकि वो हमारे राष्ट्रीय नेता है जी, राष्ट्रीय संयोजक है जी, तो भाई वो हमारे लीडर है, तो वहाँ कहीं भी जाएंगे, अगर पंजाब जाते हैं तो पंजाब में संजय सिंह है, दुर्गेश पाठक है, ऐसे कई लोग हैं लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा है, वो तो अरविंद जी थोड़ी वहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो रूमर उड़ाया जा रहा है जनता को बरगलाने के लिए कि अरविंद जी गोवा में भी मुख्यमंत्री बनेंगे, अरविंद जी पंजाब में ही बनेंगे, अरे अरविंद जी दिल्ली संभाल रहे हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता तो प्रदेश में वो पूरे देश में बना है और जन समाय कर रहे हैं, मतलब जनता को बरगलाने का काम मोदी जी के ही कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है या कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा, दोनों है इसमें, दोनों है जी, अरविंद सिंह की बात कर ले या बादल सिंह की बात कर ले, दोनों है, मतलब यहाँ भी आप दोष मोदी जी को देंगे? बिल्कुल देंगे मोदी जी को जी, भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन है जी, आज इस देश में एक भी मंत्री का बयान नहीं आता बिगर मोदी जी के जी, वो बोलते खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, दूसरे बोलते बैठ जाओ तो बैठ जाओ, मोदी के अलावा क्या, इतना बड़ा नोटबंदी का जो कार्यक्रम उन्होंने किया जी, था दो तीन लोगों को पता था जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी विडंबना, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, नोट में उन्होंने कहा कि बयान दिया उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कि 6 महीने पहले से हमारी एक्सरसाइज चल रही थी जी, 6 महीने पहले से नोट छप रहे थे जी, और जो वर्तमान गवर्नर अर्जित पटेल बने वो तो 3 महीने पहले जी, तो 6 महीने पहले के दस्तखत करा लिए थे जी, ये सोचने की बात, तो ये फैसले में क्या बुरा है, काला धन तो वापस आ रहा, आपके संगठन की सबसे पहले यही मांग की, काला धन नहीं, काला धन को तो वाइट कर दिया हमने जिसको करना था, अच्छा ये तो आम जनता को परेशान किया जा रहा है जी, लाइन में कौन लगा है आप ये सोचिए, आज हम चले आपके साथ लाइन में देखने के लिए, वो रोजमर्रा वाला व्यक्ति लगा है जिसको रोज खरीद के खाना है जी, मनरेगा वाला लगा, मजदूर लगा जिसको 300 रुपए हम काम कराते हैं तो उसको 300-400 रुपए देते, फिर जाके वो चावल खरीदता, गेहूं खरीदता और अपने पेट पालता। आज किसान की बात कर ले, उन्होंने जितने किसान थे बोला पुराने नोट नहीं चलेंगे, बीज नहीं मिलेगा जी जी, आज उनको मजबूरी में दिखना पड़ा कि वो स्टेटमेंट देना पड़ेगा भैया बीज वालों को पुराने नोट। हमारी टीम ने सर्वे किया सर, आम जनता ने भी लगभग इसी बात की पुष्टि की, वो इस फैसले से खुश है। देखिए फैसला बहुत अच्छा है जी, लेकिन उसको गुमराह करके पेश किया गया है जी, जिसको ब्लैक मनी को वाइट करना था जी जी, वो कर लिया, अब जनता को ये बताया जा रहा है रो के आंसू बहा के कि देश इसमें निकलिए, पहले 100 दिन दे दीजिए फिर 50 दिन दे दीजिए, आप इसमें सोचे क्या दिखाना चाह रहे हैं जी। जनता को समस्या नहीं है मुकेश जी, जनता लगभग 80-90% संतुष्ट दिख रही है। नहीं नहीं, आप इसको गहराई पे जाएंगे जी जी, देखिए जनता शहर से नहीं शुरू होती जी, गांव से शुरू होती है, ग्रामीण अंचल है जी, जी। आज हिंदुस्तान के अंदर 70% ग्रामीण अंचल है जी, आप वहां जाके देखिए लोगों की धान कटाई शुरू है जी, बीज बोना है, लोगों के पास पैसे नहीं,
जी, आज 52-53 लोग खत्म हो गए जी, क्या इस पे आप सोच ले नहीं? इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सबसे पहला आंदोलन किया था अभी कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी के साथ। कल शायद संसद का घेराव कर रहे हैं जी, जी। दिल्ली में संसद का घेराव, लेकिन उनकी रैली में सर मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। नहीं, वो तो कार्यकर्ता तो पड़े जी, सीधी सी बात है, मतलब इसमें भी उनके कार्यकर्ता, उनको पता है कि भाई दिल्ली में एक लाइन लगी हुई है तो कार्यकर्ता तो हर जगह पहुंच जाते हैं ना, छोटे 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 मोहल्ले में कार्यकर्ता हैं जी। तो कोई पहुंचा तो उन्होंने मोदी मोदी चिल्ला, तो मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता बता दो मुझे जो दूसरे कार्यकर्ता, कभी जेटली का नाम लो, सुषमा स्वराज का नाम लो, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग, इतने सीनियर जी लोग ये बोल रहे हैं कि वर्तमान सरकार ठीक से काम नहीं कर रही। हो सकता है सर उनके संगठन को मोदी जी के कार्य प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए वो मोदी मोदी जी का नाम ले रहे हो। नहीं नहीं, वो तो ऐसा षड्यंत्र रचा गया है मोदी के नाम लेने। सर ये हर बात पे षड्यंत्र कर सर मोदी, अरे भारतीय जनता पार्टी कैसे मोदी है क्या? जी 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 नहीं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी खुले मंच में बोलते कि मोदी ही है भारतीय जनता पार्टी, तो उनकी पार्टी के नेताओं को बोलने का काम है। अपन आपकी पार्टी के नेता, आपकी हमारे पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल है, लेकिन संजय सिंह भी है, कुमार विश्वास भी है, दुर्गेश पाठक भी है, सिसोदिया भी है, कपिल मिश्रा भी है, ऐसे तमाम नेता हैं। एक समय आंदोलन में जुड़े थे, किरण बेदी जी भी आंदोलन में, किरण बेदी जी को साई जैलवी भी आंदोलन में, बताते रहूं। लेकिन अभी ये भी नहीं देखते आपकी पार्टी। नहीं नहीं, देखिए किरण बेदी को तो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का टिकट दे दिया था, उनको चुनाव मंत्री बनना था, मुख्यमंत्री वो चली गई, वो इस तरह से वो जो रिटायर बनाए थे उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा वर्तमान, उनको साज मंत्री बन के बैठे हुए हैं। तो ये सब लोग तो आए थे कि भाई मुझे राजनीतिक में जाना है जी जी, और अन्ना जी को तो भ्रमित कर दिया ना, ये तो बाद में आए अन्ना जी के आंदोलन में, अन्ना जी भी भ्रमित हो गए, मतलब भाई एक समय होता है जी जी जी। अम्मा जी अब हम आपके साथ बैठा हूँ जी, शायद अन्ना जी की बात कर रहे हैं, अन्ना जी ने सरकार के फैसले में खुशी जाहिर की है, खुशी जाहिर की है जी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इसकी जो पीछे की भीड़ की हड्डी है जी। आज अंबानी परिवार की मैं फिर का बात कर रहा हूँ, ये अडानी परिवार के ऐसे तमाम उद्योगपति हैं जी, जिन्होंने अपना पैसा ब्लैक को व्हाइट में कर चुके हैं जी, ये चीज आईना नहीं दिखाया जा रहा सर जनता को जी जी, ये सोचने की बात है। हम ये दिखा रहे हैं कि इस देश से भ्रष्टाचार मुक्त करना है जी, काला धन लोगों के पास जो पड़ा है उसको मिटाना, ये दिया जा रहा, तो जनता हो या अन्ना जी हो या मैं भी हूँ, इस तरह से कोई अगर जवाब वार्तालाप करेगा तो हम लोग चाहेंगे कि भाई इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त हो। काले धन की बात कर रहे हैं, विजय माल्या ललित मोदी लगभग भारत की गिरफ्त से बाहर है, ये तो अभी देखो ना, अभी नहीं, आप जो लिस्ट देखेंगे आज 650 की जो है लिस्ट आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ललका मैं उनको चिल्ला रहा है कि आप लिस्ट दीजिए और नाम घोषित करिए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, आज तक उन पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं। जनता के ऊपर ज्यादा असर पड़ रहा है नोटबंदी का, और जो काले धन के मुख्य लोग थे उन पे आज तक आप मुझे बताइए हिंदुस्तान में लाइन देख लीजिए कितने मुख्य लोग लगे जी, वो तो अपना पैसा काला करने पे लगे हुए हैं, परंतु लाइन पे लगी है वो जनता लगी है, इस बात को सोचें कि जनता लगी है जी जी, जो रिक्शा चला रहा है जी, जो मजदूर है जी, जो किसान है वो लाइन पे लगा जी। आप एक लाइन में मुझे बता दें कि शहर का या देश का बड़ा उद्योगपति लाइन में लगा हो, नहीं लगा, वो तो अपना पैसा काला धन कर ही रहा है जी, मैनेज कर रहा है। हमने आज गुजरात में दो जगह आज ब्लैक वो छापे पड़े भ्रष्टाचार के जी, वो 4 लाख रुपए कहां से आ गए एकदम से जी, ये सोचने पर मजबूर है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो काला धन तो आप पहले 1,000 था 2,000 के नोट आ गए जी। भाजपा के नेताओं का कहना है कि कुछ समस्याएं आती हैं जब दिवाली जैसे त्योहार आते हैं तो हम अपना घर साफ करते हैं, उसके बाद घर जब साफ हो जाता है तो हमारा घर अच्छा दिखने लगता है, इसी प्रकार एक काला धन जब देश में इससे ये वाला जो फैसला लिया गया अध्यादेश का उसके कारण कुछ समस्याएं जनता को कुछ दिन तक आएंगी, उसके बाद देश में सब चीजें आम हो जाएगी, जनता उस समस्याओं को एक्सेप्ट कर रही है, परेशानियों को एक्सेप्ट कर रही है जी जी। हम लोग ये कह रहे हैं कि जो आपने काले धन को व्हाइट कर दिया उस आईने को भी दिखाया जाए जी, हम लोग ये कह रहे हैं जी, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपने गलत डिसीजन लिया, लेकिन आपने जो पॉलिसी बनाई उसके पहले आपने जितना काला धन था वो व्हाइट कर दिया, अब जनता को एक अपना चेहरा दिखाया जा रहा है। जापान में आप बोलते हैं कि बच्चे की शादी हो रही है वो परेशान हो रहे वहां हंसते हैं जी, आप जापान से लौट के आते हैं और आगरा में जाके रोना शुरू कर देते हैं जी, क्या ये आप क्या दिखाना चाहते इस जनता को, गुमराह का एक रास्ता तय किया जा रहा है, जनता परेशान है ये आपको मानना पड़ेगा, और इतना परेशान है, अगर परेशान नहीं होती तो 52 लोग खत्म नहीं होते। हाँ। आप इस बात को बहुत इसी पे आ रहा था कि इतने लोग देश में 52 लोग खत्म हो गए जी जी, और एक भी वर्तमान सरकार जो है एक ने संवेदना व्यक्त की जी,
एक ने ये नहीं बोला कि हाँ कुछ ना कुछ गलतियां हुई है, हम इसको सुधार रहे हैं जी। क्या सोचने पे मजबूर नहीं कर रहे हैं? और वहां पे दिल्ली में मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं जी। क्या ये सोचने पे मजबूर नहीं कर रहे हैं? देश किस दिशा में जा रहा है जी। 50 से 52 लोग भगदड़ के दौरान, हार्ट अटैक के दौरान एक्सपायर हुए थे। और मुकेश जी का कहना है कि देश किस दिशा में जा रहा है, मोदी जी को इस बारे में भी सोचना चाहिए। किसी ने अभी तक भी कोई भी किसी भी प्रकार की संवेदना व्यक्त नहीं की है। मुकेश जी ने यह सवाल उठाया है हमारे कैमरे के माध्यम से, हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से। मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, आगे कुछ और बातें करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहला प्रश्न उठाया था सेना को लेकर, कि सेना के जवानों द्वारा जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता कम थी। देखिए अरविंद जी, अगर ये प्रश्न मेरा पूरा नहीं हुआ, इसमें सर सेना की वफादारी को लेकर बातें करना क्या उचित था कि प्रधानमंत्री जी के लिए इन्होंने प्रश्न उठाए? नहीं नहीं, वो पूरा वीडियो किसी ने फिर देखा नहीं है जी। या आप भी से भी निवेदन है कि उस वीडियो को सुने आप जी। सर प्रश्न चिन्ह सेना पे किसी ने नहीं उठाया जी। उन्होंने ये निवेदन किया था अरविंद जी ने कि भाई जिस तरह से पूरे वर्ल्ड के मीडिया को ले जाके पाकिस्तान गुमराह कर रहा है, उस गुमराह को आप जवाब दीजिए। अब जवाब देने का तरीका क्या है आप ढूंढिए ना जी। उन्होंने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जी। उन्होंने निवेदन किया था कि भैया आप जैसे देश का वर्ल्ड का मीडिया पाकिस्तान ले जाके बोल रहा है, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, हुआ चुझे नहीं। तो इसलिए उन्होंने एक सोशल मीडिया के नाम माध्यम से अरविंद जी ने ये जवाब दिया था कि जिस तरह से वहां आपको जवाब दिया जा रहा, आप भी अपने माध्यम से आपके तरीके जो भी हैं जी। सेना पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया गया, ये मैं आपको फुल के बोल रहा हूँ, लेकिन उसको वीडियो को सोशल मीडिया के वीडियो को काट के पेश किया गया है जी। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो अरविंद जी ने ऐसा कहीं भी सेना पे नहीं प्रश्न चिन्ह लगाया जी। कार्यशैली पे लगाया था मोदी जी की, कि भैया अगर आपने कुछ किया है तो आप बता दीजिए हमने किया जी, जनता को बता दीजिए, ये जवाब था। तो सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी कई प्रकार से होती थी और उसके बाद भी शायद हमें यह चीजें पता नहीं चल पा रही हैं कि अभी भी चल रही होगी। सर्जिकल स्ट्राइक तो पहले भी होती थी, ऐसा नहीं कि मोदी जी आ गए उन्होंने सर्जिकल किया, घर में उसके मनमोहन सिंह के सामने हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी के सामने हुई है। चूंकि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उस सर्जिकल स्ट्राइक को आपके उत्तर प्रदेश और बाकी जो 4-5 स्टेट में चुनाव होना है उसको भुनाना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने एक बोला चाहिए कि भावनाओं की तरह से पेश करके कि जनता हमारी तरफ भावुक हो जाए जी, कि हमने भाई पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, पाकिस्तान में घुस के मार के आए, ये दिखाते हुए उन्होंने पेश किया था। काफी जवान शहीद होते रहते हैं जिनके बारे में अभी पता नहीं चलता, आज शायद 4 जवान फिर से शहीद हुए हैं जिनके बारे में लोग बात भी नहीं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये मोदी जी वही है जो बोलते थे प्रधानमंत्री बनने के पहले, एक सर काटोगे 10 सर लेके आएंगे जी जी जी। अब स्थिति ये है कि जाते हैं विदेश दौरे पे और अचानक वो वहां पे नवाज शरीफ से मिलने चले आते हैं जी। ये आप सोचना पड़ेगा जी सर कि 10 सर लेने जा रहे हैं कि वहां पे नर्वस होने जा रहे हैं, परंतु रोज शहीद हो रहे हैं। परंतु इसका जवाब भी दिया गया है सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम, एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया जी। अभी वर्तमान पहले वो घसीटते हुए शहीद को ले गए, क्या किया जी? एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने भाई भाई लूटनी शुरू कर दी, हमने तो भैया 72 लोगों को मार दिया, 70 लोगों को मार दिया। उन आतंकवादियों तो रोज मार रहे हैं, उन आतंकवादियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिस दिन जब उनका एनकाउंटर किया गया हमारे भोपाल के बाद, उसमें भी प्रश्न चिन्ह उठाया आपके नेता? देखिए नहीं प्रश्न चिन्ह नहीं, वो तो आप सीधा सीधा दिख रहा था, रात को 3 बजे भागते हैं वो जी, और पुलिस प्रशासन को पता नहीं, सरकार को पता नहीं जी। अचानक एक ग्राउंड में पकड़े जाते हैं, क्या 3 बजे भागने वाला व्यक्ति मात्र 10 किलोमीटर भागेगा जी? सर ये वही आतंक, एक बार मेरी बात अभी कैसे ध्यान से नहीं, आतंकवादी फिर मैं बोल रहा हूँ जी जी जी। अभी इस देश के संविधान ने उनको आतंकवादी घोषित नहीं सर, 3 लोग चल रहे थे सर, 3 लोग उनमें से पूना बम ब्लास्ट के आरोपी है, आरोपी है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ जी सर, आरोपी है जी जी। इस देश के संविधान में ये है, जब तक आरोपी है तब तक आपको गुनहगार नहीं माना जाए जी। अगर आरोपी हो तो जब तक आपका फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता कि हाँ भाई ये आतंकवादी है तो फिर बात अलग है, फिर जो देश का संविधान कहे वो करो आप, फांसी पे लगा दो आप सर। लेकिन 3 बजे रात को भगाना, और इतनी जो अभी ISO सर्टिफाइड प्रमाणित जेल है, इस मध्यप्रदेश की सबसे टेक्निक जेल है, उससे भाग जाना सर। तो इनके साथ क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, अगर आप आपकी नजर में आतंकवादी नहीं है तो आपके आतंकवादी नहीं, हम ये नहीं बोले कि नहीं है जी जी जी। इन्होंने जो गुनाह किया है उसके हिसाब से देश के संविधान के हिसाब से उनके ट्रायल चल रहा है जी सर। अगर वो दोषी है तो देश के संविधान के न्यायपालिका
सजा देगी, भले वो फांसी की सजा दे दे जी, ऐसे कितनों को आपने सजा दी जी, लेकिन किसी ने तो आरोप नहीं लगाया भाई। ये भी उसी आरोप के तहत अगर पकड़े गए हैं तो देश की न्यायपालिका देगी, सजा देगी। कुछ आम जनता का सपोर्ट था, कुछ कहते थे कि ऐसे आतंकवादियों को बीच रास्ते में ला के मार डालना चाहिए। आम जनता तो तमाम चीजें बोलती क्या हम कर सकते हैं जी, बात मेरी पूरी हो जाने दी। लगभग आतंकवादियों के साथ ऐसा कृत्य होना चाहिए जो कि सरेआम लोगों को जिंदा जला देते हैं, मानव बम बना के उड़ा देते हैं, तो उनके लिए इस प्रकार का कभी समर्थन आ जाता है आपकी पार्टी द्वारा? इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं जो उनसे समर्थन हो जाता है? नहीं, समर्थन नहीं दिया। हम फिर आपसे कह रहे हैं जी, हम कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं सरकार की, प्रशासन की जी, हम किसी पे ये नहीं बोलते समर्थन दे रहे हैं। तो सर समर्थन जिस तरह से षड्यंत्र के तहत ये जो 9-8 आतंकवादी भागे, फिर आपको इनको एनकाउंटर किया जाता है, फिर एक तरफ आपकी ATS बोलती है कि वहां पे तो औजार मिला, रिवॉल्वर मिले, केंद्र सरकार की जो ATS आती है वो एक दिन बाद स्टेटमेंट देती उनके पास कोई औजार नहीं था, इस तरह से विरोधाभास बयान दिए जाते हैं जी। तो देश में ह्यूमन राइट्स भी है, देश की न्यायपालिका, हम बोलते ना इन लोगों को आप 6-6 महीने में ट्रायल पे खत्म करो ना केस जी, आप 15 साल क्यों खींचते हो इनकी जी, आप जब फास्ट ट्रैक के उसमें लगा के डिसीजन करिए आप उनको, आप तो खुद ही इनको पाल के रखे हो, क्योंकि नेता इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ जी, जो वर्तमान राजनीतिक दल है, पिछले राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भाजपा कांग्रेस दोनों दल की बात करूं, इस देश में दो लोगों ने राज किया, ये बहुत बड़ा आरोप लगाया मुकेश जी ने, बिल्कुल लगा रहा हूं हमारे कैमरे के माध्यम से और हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से कि भाजपा और कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं आतंकवादियों के साथ समर्थन में रहते हैं, उन्हीं से संलिप्त होकर उनके द्वारा ये घटनाएं की जाती है, उनको समर्थन मिलता है भाई जी। भाई आप बताइए ना, अगर जेल से भाग रहे हैं जी, मैं आपको एक बहुत छोटी सी घटना बता रहा हूँ। 2004 में मैं एक NGO में काम करता था जी, उस NGO के माध्यम से जेल DGP को हमने एक लेटर लिखा था, 2003 और 4 की घटना बता रहा हूँ। उस समय हमने बताया था कि तमाम जेलों में जेमर लगा दिए जाए जी, तमाम जेलों में जेमर लगा दिए, जिसमें क्या है कि मोबाइल फोन और जितनी भी चीजें हैं वहां पे ऑपरेट होना बंद हो जाएगा जी। जब आपका करस्पोंडेंस बंद हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल, तो आप फिर हैंडीकेप हो जाते हैं, लेकिन मोबाइल पकड़े जाते हैं जी, अफीम पकड़ी जाती है जी, गांजा पकड़े जाते हैं जेल के अंदर। क्या ये अगर उस समय अगर जेल के अंदर जेवर लगाए जाते तो आप सोचते कि आज 10-12 साल में ये स्थिति नहीं बनती जी। जो उस समय मैंने 2003 और 2004 में मैंने मध्यप्रदेश सरकार को जेल DGP को स्वतः जाके लिख के दे के आया था जी, ये कि तमाम जेलों में जेवर लगा दिए, नहीं लगाए। इससे यह है कि अपराध जगत बढ़ रहा है जी। सर प्रदेश में फिर से लौट के आते हैं, 12 साल से शिवराज सिंह चौहान, कौन से ऐसे मुद्दे दिखते हैं जिनके खिलाफ आप आवाज उठाना चाहेंगे? व्यापम घोटाला, व्यापम को तो ये खुद ही इन्वॉल्वमेंट है जी, वो तो कुछ नहीं हो सकता, लोगों की आय खा गई, उसका बुरा समय आएगा इनको, लोगों को कई लोगों को मार डाला। बेसिकली हम बात करें जो अभी 12 साल से है, 12 साल से हम बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमको अभी नजर आ रहा है, जनता जिससे परेशान है वो बिजली के रेट से परेशान जी। बिजली का रेट जो है तमाम इतना बढ़ के आ रहा है, और ये दूसरा तरफ इन्होंने कुड़की जो शुरू करी है लोगों के घर से गाड़ियां जब्त करना जी, तमाम चीजों की तरह से इस तरह से लोग जब परेशान हो गए जी, बहुत दुखी हो गए हैं। एक तो उनकी किसान की अनाज खराब हो जाता है, उससे परेशान है जी, कि और बिजली वाले कुड़की करने पहुंच जाते हैं कि भैया हम आपकी गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं, ट्रैक्टर उठा के ले जा रहे हैं, टू व्हीलर उठा के ले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है मध्यप्रदेश के अंदर जो बिजली का है, बिजली दूसरे प्रदेशों में सस्ते रेट में बेच रहे हैं और मध्यप्रदेश में 7 और 8 रुपए में बेच रहे हैं जी, एक बड़ा मुद्दा है बिजली का। सर आपको क्या लगता है एकदम से क्या कोई बदलाव आ जाएगा कि बिजली के रेट कम हो जाएंगे? नहीं नहीं भाई, ऑडिट कराना जैसे हम दिल्ली में कर चुके हैं, आप मध्यप्रदेश में ऑडिट कराइए ना जी। सर मध्यप्रदेश में ऑडिट कराइए, अभी हमारे पास आंकड़े आने वाले हैं, उस आंकड़े को हम आपके सामने भेज दे, आपको लगेगा तो हम दिखाएंगे किस तरह से लूट रहे हैं जनता को जी सर, तमाम बिजली एजेंसियों को जी। भाई जितनी आपकी जरूरत उतने आप एग्रीमेंट करिए, आप एक एक साल के पहले एग्रीमेंट करके रख लेते हैं और तमाम उसका पैसा देना पड़ता है जी। जिस कंपनी से आपने कभी बिजली नहीं खरीदी, कुछ तमाम चीजें नहीं करी, फिर भी उनको ब्याज का पैसा देना पड़ता है। सर युवाओं के लिए किस प्रकार के मुद्दे, बेरोजगार हैं युवा मध्य प्रदेश के, जो लगभग मध्य प्रदेश से बाहर जाकर ही शहरों से उनका पलायन हो रहा है, बाहर जाकर ही जॉब करते हैं। देखिए सबसे बड़ा मध्य प्रदेश से तो ठीक है बाहर जा रहे हैं, जब तक आपका उद्योग नहीं बढ़ेगा, देखिए गवर्नमेंट जॉब तो अपनी जगह एक सीमा है जी, गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट अंध हो गए हैं, अंधमुक्त की तरह बोलिए, उन्हें भर्ती नहीं करना जी, 20-25 पोस्ट निकालना है, उसके बाद
भर्ती नहीं करना, लेकिन जो युवा है उनके लिए आपको हर जिले में बड़े बड़े उद्योग लाने पड़ेंगे। उद्योग लागे तो ये पलायन जो है रुकेगा। आज आईटी सेक्टर की बात करें हम, आईटी जो प्रोजेक्ट आ रहा है जबलपुर में, वो पिछले 3 साल से आ रहा है जी। और आज तक तैयार नहीं हुआ। लोग पूना जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, जबलपुर की बात करें जी, पिछले जबलपुर में कोई भी उद्योग ऐसा बड़ा नहीं आया। जो वर्तमान उद्योग है वो इतना परेशान हो गया वर्तमान सरकार से, इतने टैक्सेस लगा चुके हैं कि लोग उद्योग करने को परेशान हो चुके। सांसद जी के कार्यों की क्या समीक्षा करते हैं? सांसद जी ने तो आंख में धृतराष्ट्र की पट्टी बांध ली 15 साल से जी सर। कड़वा सच तो ये है, पर सर उन्होंने स्मार्ट सिटी में सबसे पहले जबलपुर को सम्मिलित करवाने में, उन्होंने कौन सा सम्मिलित कराया? उन्हीं का योगदान, उनका कायदा ऐसा उन्होंने कहा। वो तो पोस्टर लगाने को बोलते कि स्मार्ट सिटी मैंने दिलवाया, उनका कायदा योगदान जी जी। एक सर्वे होता है, एक पॉलिसी है, उनका योगदान नहीं है। वो तो एक वो जो ब्रॉड गेज है 15 साल से जबलपुर से बालाघाट नहीं करवा पाए जी, तो उनकी सरकार है तो वो क्या करेंगे है? अभी भी ब्रॉड गेज पूरी नहीं हुई है क्योंकि घनसौर में एक पावर प्लांट आ रहा है, उसमें कोयला पहुंचाना है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, घनसौर में एक पावर प्लांट आ रहा है, ये फिर बोलते ना पॉलिसी जो है, क्योंकि छोटी जनती कोयला नहीं पहुंच पा रहा था उस पावर प्लांट में, उस पावर प्लांट पे कोयला पहुंचाने के लिए हमने जबलपुर से घनसौर तक की लाइन चालू कर दी। चलो कोयला तो पहुंचा जिसका भी पावर प्लांट जी। चूंकि आज तक डेवलपमेंट क्या सांसद 15 साल हो रहे हैं, क्या डेवलपमेंट है? एयरपोर्ट का विस्तार बता दे, कोई बड़ा उद्योग बता दे। हमने एयरपोर्ट के लिए लाइनें चालू की हैं, कौन सी लाइन से चालू कर रहे हैं वो उन्होंने चालू एयरपोर्ट्स की। अरे यही तो विडंबना है कि जनता नहीं समझ पाती है। नहीं ये जनता की बात नहीं करते, मैं बता रहा हूँ कि उनके द्वारा बताया जा रहा है द्वारा यार जी जी। भाई बड़ी बड़ी कंपनियों को लगता है कि यहाँ से कनेक्टिविटी है, बिजनेस मिल जाएगा तो वो चालू कर लेते हैं। सांसद महोदय के कुछ नहीं है कि सांसद महोदय ने चालू करवा दिया। सांसद महोदय तो अभी बीच में जो एरोप्लेन कुछ डिफॉल्ट आया था तो उन्होंने बोले मेरी दिल्ली में बात हो गई मंत्री जी से, कल चालू जाएगा। और वहां का जो सीईओ है वो स्टेटमेंट जारी करता है अभी नहीं चालू करूंगा, इतना तो झूठ बोलते हो जी। उद्यान मंत्री से मेरी बात हो गई और कल से फ्लाइट चालू जाएगी जी। तो झूठ के अलावा उनके पास है क्या जी? झूठ की राजनीति चल रहा है 15 साल से। प्रदेश जिले में कोई नेतृत्व नहीं है, अंधा लंगड़ा कूड़ा बाबा चल ही रहा है, क्या करेंगे सर? लगभग एक विधान दो विधानसभा को छोड़ के सारे विधायक बीजेपी के हैं। यहाँ के मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी शरद जैन जी हमारे उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक हैं। स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं ज्यादा अच्छी नहीं दिखती। आप लोग ज्यादा अच्छे से जाते हैं सर, विक्टोरिया की बात कर जी। विक्टोरिया में क्या सर, न चिकित्सक है, न सुविधाएं है, न एक्सरे हो रहा है, न सोनोग्राफी हो रही है, न दवाइयां मिल रही जी। वीपीएल के नाम पे, दीनदयाल के नाम पे क्या है, कुछ नहीं मिल रहा जी। आप जाके देखिए जनता कितनी परेशान है। यूनिवर्सिटी की बात करें, 4-5 साल से यूनिवर्सिटी नहीं आ पा रही जी, न बन पा रहा है। तमाम पैसा है लेकिन इच्छा शक्ति चाहिए जी। इच्छा शक्ति क्या, इंदौर के डेवलपमेंट की बात कर लू मैं मध्य प्रदेश जी, कहीं ना कहीं इंदौर डेवलप हुआ है जी। इच्छा शक्ति थी जी, यहाँ के जो प्रतिनिधि है उनकी इच्छा शक्ति नहीं कि जबलपुर डेवलप हो जी। एक फ्लाईओवर अभी तक नहीं बना पाया 15-20 साल मेरे रोज सर आए, एक फ्लाईओवर बना जी। आप ट्रैफिक व्यवस्था की बात कर लो शहर के अंदर, इतनी सारी समस्याएं आप कब आवाज उठाएंगे इसको लेकर? हम 2017-18 में सरकार बना रहे, चुनाव लड़के, तब तो हम डेवलप। देखिए आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। क्यों सर, आपकी पार्टी तो आवाज उठाने में जिन्होंने लगभग बदलाव लाया थे। नहीं तो हम आवाज उठाना लगातार और आगे उठाएंगे जी। लेकिन जब हम बदलाव कब लाएंगे, जिस दिन हम सत्ता में जाएंगे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ दिल्ली का। दिल्ली में जो जल बोर्ड था या नगर पालिका थी वो हमेशा 15 साल से लॉस में जा रही थी जी सर। लेकिन इस साल 150 करोड़ फायदे में गई जी। हम सत्ता पे आए, भ्रष्टाचार रोकी, वो 450 करोड़ का पुल हम 250 करोड़ में बनाते जी। 250 करोड़ का पुल 150 में बनाते, क्यों? क्योंकि जो पैसा बटना था दलाली का वो नहीं बटा जी। इसलिए इसी तरह हम जबलपुर की बात करें, जबलपुर में जिस दिन हम सत्ता पे आएंगे हम पानी मुफ्त देंगे सरकार जनता को। भाई नर्मदा जी आपकी है, किसी की थोड़ी ना है जी। लेकिन उसकी पॉलिसी बनाना पड़ेगा कि जिस तरह हमने दिल्ली में बोला है कि 700 लीटर पानी दे रहे हैं, इसी तरह जनता की, हम प्रदेश की जबलपुर की जनता को भी जिस दिन हम सत्ता पे आएंगे पानी मुफ्त देंगे। एक व्यापक आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, एक व्यापक विरोध प्रदर्शन जबलपुर में कब दर्ज होगा, कब आप पार्टी यहाँ पे अपनी उपस्थिति? पिछले 2 महीने के बाद अरविंद जी का दौरा शुरू हो गया जी, और इस बार पूरे देश में वो भी दिसंबर में 50 सभाएं कर रहे हैं जी, जिसमें गुजरात भी है, पंजाब भी है, उत्तर प्रदेश भी है और मध्य प्रदेश भी है, उनके आने का चल रहा है।
और जी गिरी उनकी घोषणा होगी डेट की जी। अरविंद जी के आने के बाद अब हम लोग सीधे सीधे उग्र आंदोलन जैसे बड़े जिले जैसे हैं भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, इसमें अरविंद जी का प्लान हो गया है जी। अरविंद जी यहाँ आने वाले हैं, उसके बाद हम आंदोलन ही करेंगे। मतलब सर ये तो वही राजनीति फिर से चालू हो गई कि चुनाव आने के पहले आप आंदोलन कर। चुनाव का अभी चुनाव तो दूर है सर, हम दो तो साल है। अरे हम तो अभी दो महीने की बात कर रहे हैं, दो महीने बाद हम उग्र आंदोलन मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में कर रहे हैं। अभी हमने तीन दिन पहले नोटबंदी के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में हमने आंदोलन किया जी। इसलिए आंदोलन किया, नोटबंदी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जो पॉलिसी थी कि जिस तरह से बीजों के लिए उन्होंने एकदम से बंद कर दिया कि बीज भी नहीं मिलेगा जी, किसान मरने लगा जी। वैसे ही किसान आत्महत्या कर रहा और करने लगता आत्महत्या, किसान तो लोग आंदोलन के लिए बढ़ रहे हैं जी, बढ़ रहे हैं। आंदोलन जनता के मध्य कब दिखेगा यह कहना है मुकेश जायसवाल जी का। इस बात पर यह आंसर है कि वो बहुत जल्द दो महीने बाद आम सभाएं होने के बाद अरविंद केजरीवाल की बहुत जल्दी एक उग्र आंदोलन बिजली की समस्या को लेकर करेंगे। बिजली की और तमाम जो समस्या है उस पर हम आंदोलन करेंगे और जनता की आवाज को उठाने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग राजनीति करने नहीं आए जी, राजनीति करने वाले कर रहे हैं, हम लोग राजनीति नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में अपना योगदान देने आए जी। हमको उससे मतलब नहीं राजनीति कर रहे हैं। अगर ये तय कर ले व्यवस्था परिवर्तन के लिए, तो अरविंद जी तो पहले ही बोल चुके आप तय कर लो, हमको क्या राजनीति करना है, हम लोग कभी राजनीति नहीं करना, हम लोग अपना व्यवसाय शुरू कर। हर बात पे जब बयान आता है तो अरविंद केजरीवाल से बड़ा राजनीतिक आदमी कोई नहीं लगता, चाहे वो आतंकवाद को लेकर हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर हो, चाहे नोटबंदी को लेकर। वो कड़वा सच बोलते हैं, वो कड़वा सच यहाँ यहाँ पे आपने उनके बयानों को कड़वा सच बोला। नहीं, कड़वा सच बयान नहीं बोल रहा, बयान तो देते हैं लेकिन कड़वा सच बोलते हैं जी जी। अभी उन्होंने कड़वा सच रखा मोदी जी के लिए जी, कड़वा सच रखा सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जी। अगर आप सही हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं तो भाई न्यायालय में भी यही होता ना, अगर मुलजिम हो तो अपनी बात रखता ना कि साहब मैं दोषी नहीं हूँ जी, तो न्यायालय भी सुनती है जी, जी। अगर आप दोषी नहीं हो तो अपनी बात तो रखो कि हाँ भाई, तो मोदी दोषी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की। बात करते पार्टी के आंतरिक संगठन की, पार्टी के एक विचारधारा थी अन्ना जी को लेके, उसके बाद पार्टी की तैयारी की गई, पार्टी बनाई गई, राजनीतिक पार्टी बनाई गई, जिसमें कि काफी नेताओं का सहयोग था, काफी युवाओं का सहयोग था, लेकिन वो युवा कहीं ना कहीं छट गए, अलग हो गए, कुछ लोग चले गए, प्रशांत भूषण जी अपने पार्टी से अलग हो गए, और उनके भी मन में काफ़ी बातें थी, योगेंद्र यादव जी काफ़ी लोग थे जिन्होंने इस बारे में सवाल उठाया और उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। तो पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहिए? पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चूँकि देखिए अरविंद जी ने साफ कहा है, क्योंकि ये दिल्ली का मैटर, इसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ये ज़रूर है कि पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, ना अरविंद जी है जी, ना कोई है, ना योगेंद्र यादव है, ना प्रशांत भूषण जी। आंतरिक मामले में जो रिपोर्टें आई थी वो नेगेटिव थी, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जी जी, इसलिए पूरी पार्टी उनके साथ, अरविंद जी के साथ खड़ी है, उनको बाहर करना पड़ा, बस इतना ही बोलूंगा मैं। बाकी उन्होंने आरोप भी लगाए थे कि तानाशाही, हिटलरशाही चलती है अरविंद केजरीवाल की, वो किसी की नहीं सुनते हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो सारे लोग बाहर हो जाते जी, सारे लोग अरविंद जी का विरोध करते जी। अरविंद जी का किसी ने विरोध नहीं किया आज तक जी, और ना पहले किया ना आज कर रहे हैं जी। चूंकि हाँ, ये जरूर है कि भाई लीडरशिप कहीं ना कहीं किसी एक के पास तो रहे जी। अगर हम पांच लोग किसी संगठन को बना रहे हैं जी सर, और पांच लोग में चार लोग तय करते हैं कि आपके हिसाब से हम संगठन चलाएंगे, अपने अपने विचार रख के, तो अरविंद जी वही कर रहे हैं जी। चूंकि अब आंतरिक मामला है वहां दिल्ली का, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, चुनाव पार्टी का मामला है। हाँ, चुनाव नहीं देखिए, पार्टी का मामला है, लेकिन ये दिल्ली का मामला है, क्या है कि ये मध्य प्रदेश का मामला नहीं। किसी प्रकार की छवि मध्य प्रदेश में बनेगी, कुछ युवा जो सोचते हैं हम पार्टी में आना चाहते हैं, वो ऐसी बातें देखकर, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था देखकर आपकी पार्टी से दूर हो जाएंगे, आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं नहीं, अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बनी जी। मैं तमाम जिलों में, 15 जिले का प्रभारी हूं मैं जी, बालाघाट भी जा रहा हूं, छिंदवाड़ा, मैं बता रहा हूं, लांजी नक्सलाइट एरिया की बात कर रहा हूं जी सर, नक्सलाइट एरियो में जाकर मैं संगठन बना के आ रहा हूं, और लोग एक आम आदमी पार्टी का लोग बहुत दिल से समर्थन कर रहे हैं जी। छोटे छोटे ग्रामीण में मैं टोपी पहन के निकलता हूं तो ये बोलते हैं आम आदमी वाले, अब वो अरविंद जी को जाने ही जाने, लेकिन आम आदमी पार्टी को जरूर जानते हैं गांव के छोटे छोटे कस्बे में कि टोपी पहन के वाला आम आदमी पार्टी आ गए। अब छोटी सी दूसरी बात कर रहा हूं, इतने साल से आपने कभी कांग्रेस को नहीं देखा टोपी पहनते हुए जी, ना भारतीय जनता पार्टी को टोपी, लेकिन अब पिछले अरविंद जी के बाद लोगों ने टोपी पहनना शुरू कर दी है, कोई भगवा कलर की, कोई कोई कलर की जी। तो ये नकल है जो लोगों को कर रहे हैं, भगवा मतलब बीजेपी और टोपी मतलब कांग्रेस जी।
मतलब बीजेपी और कांग्रेस आप पार्टी की नकल कर रहे हैं। नकल कर रहे टोपी पहन के, इससे पहले टोपी नहीं थी क्या जी? टोपी तो गांधी जी ने भी पहना था जी, फिर क्यों खत्म कर दिया आपने टोपी पहनी? अरविंद जी ने टोपी पहनाई, उन्होंने भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन की, आपने वो टोपी पहनना शुरू कर दी अपने कलर की। तो युवाओं की मात्राएं, युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है पूरे देश में, युवाओं के लिए रोजगार की कमी दिखती है, और जो युवा राजनीति में आते हैं उनके मन में सिर्फ एक ही धारणा होती है, बड़ी गाड़ियां, बड़ी फोन, चार पांच लोग, और राजनीतिक अवस्थाएं इसी प्रकार की उनके मन में संचालित होती है। नहीं, मैं जहां भी जाता हूं, मेरा प्रश्न सुनिएगा। इसके बाद आप पार्टी का जब दिल्ली में शासन चालू हुआ, आप पार्टी सत्ता में आई, तो लोगों के मन में कुछ बदलाव आया था, परंतु अरविंद केजरीवाल की छवि बीच में भ्रमित हो गई, या आप जैसा कि कहते हैं कि भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी छवि खराब की है, तो कब आप पार्टी से जबलपुर का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा युवा वर्ग जुड़ेगा और एक सही दिशा में राजनीति करेगा? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं 15 जिलों के दौरे कर रहा हूँ जी, सबसे ज्यादा युवा वर्ग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहा है जी, और आज भी जो वेल एजुकेटेड है वो जुड़ रहे हैं, और मैं उनको कहता हूँ हमेशा, युवाओं को जो एजुकेटेड हैं, कि अपना करियर समझें, जिस तरह आप दूसरी चीजों में करियर समझते हैं जी, कि मुझे MBA करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैं उन युवाओं को बोलता हूँ कि राजनीतिक दल में जी, आम आदमी पार्टी में इसको करियर समझें, करियर समझ के इस देश की सेवा में, जनता की सेवा में निकले जी। ये मैं उनको बोलता हूँ कि आप सांसद बने, पार्षद बने, विधायक, जिसकी जो इच्छा है जी, उसको करियर समझ लें कि मैं आम आदमी पार्टी में आया हूँ, मैं तय कर लूँ आज कि मुझे पार्षद बन के मोहल्ले के जनता की सेवा करना है, लेकिन ये तय कर ले, वो उम्र नहीं बनाना है कि बड़ी गाड़ी चाहिए मुझे जी, चार लोग मेरे आगे पीछे चले जी, वो उम्र नहीं चलाना, जो उम्र और जो उन्होंने एक स्टाइल दूसरे दलों ने तय पहल की वो नहीं चाहिए, हम अकेले जाते हैं, अकेले काम करते हैं, अकेले चले आते हैं, ये धारणा आपको आम आदमी पार्टी में एक एक कार्यकर्ताओं के बीच में मिलेगी, और यही हम युवाओं को बोल रहे हैं। बात करते हैं आपकी, स्वयं पार्टी के प्रवक्ता हैं मुकेश जायसवाल जी, मुकेश जी को आने वाले समय किस पद पे देखा जाएगा, किस विधानसभा से चुनाव लड़ते देखा जाएगा? देखिए, मैं चुनाव की तो अभी लड़ने के विचार नहीं है मेरा जी, लेकिन मुझे पार्टी ने जो जवाबदारी वर्तमान दी है वो अच्छे से निभा रहा हूँ, आगे भी जो पार्टी मुझे मेरे ऊपर जो विश्वास करके जवाबदारी देगी, मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ, जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी बातों पे खरा उतरूं, मुझे कोई अपेक्षाएं नहीं है, धन दौलत 200-500 करोड़ का स्वामी नहीं बनना, भगवान ने मुझे बहुत दिया है, मैं, मेरी वाइफ डॉक्टर है, मेरे खुद का बिजनेस है, सब कुछ है जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना अंबानी बनना, ना अडानी बनना, ना टाटा बिरला बनना, ये आदमी को सोच तय करनी पड़ेगी। मुकेश जी, जाते जाते आम जनता, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से हैं, तो आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मेरा निवेदन है जनता से, प्रदेश और देश की, जिले की जनता से, कि हमको 2018 में भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनाना है, उस भ्रष्टाचार की महाभारत की लड़ाई में आप अपना योगदान जरूर दें आम आदमी पार्टी के लिए। जय हिंद, जय भारत। तो आज हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश जायसवाल जी, जो कि एक अलग दिशा में राजनीति कर रही आप पार्टी से जोड़कर उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और यह चाहते हैं कि एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश की परिकल्पना में आप सभी उनके साथ जुड़े। तो मुझे इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए राजनीतिक आदमी के साथ, नई व्यवसायी के साथ, नए डॉक्टर के साथ। मैं सृजन शुक्ला आपसे इजाजत लेता हूँ, नमस्कार। नमस्कार।